स्टूडेंट मैं सन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। स्टूडेंट आज के इस क्वेश्चन में हेलो स्टूडेंट मैं सन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में यह पूछ दिया जाता है। तो स्टूडेंट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं ए इनवर्स ज्ञात करना बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। प्रथम संक्रिया प्रारंभिक संक्रिया विधि से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो प्रारंभिक संक्रिया विधि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जरा देखेंगे तो प्रारंभिक संक्रिया विधि लगाने के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू आई ए। क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू आई ए लिखते हैं। और यहाँ पर ए की वैल्यू, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितने आर्डर का मैट्रिक्स होता है उतने ही आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, और ए को सिंबल के रूप में बस लिखते चले जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से समझिएगा पूरे प्रोसीजर को। और यहाँ पर देखेंगे 2 2 3, ये मैट्रिक्स पूरा उतारेंगे, -3 2 -2 3 3 2, यह हमने लिख दिया ए। यह क्या लिख दिया, ए इक्वल का निशान है, इक्वल लगा दिया। यहाँ पर क्या लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर्डर 3 का, चूंकि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए आर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको लिखना पड़ेगा। 0 यहाँ पर 1 0 0 0 1, और यहाँ पर यह ए को बस सिंबल के रूप में ज्यों का त्यों उतार लेना होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर अब ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 प्रकार के हमने बताए हैं, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी आप इनवर्स निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का तो पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन को आप यूज करेंगे, चाहे रो को चाहे कॉलम को ट्रांसफॉर यूज कर सकते हैं। अगर आप दोनों को मिक्स कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके मेथड गलत माना जाएगा, इसलिए पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट यहां पर हम आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से ए इनवर्स निकालना बता रहे हैं। यहां पर जरा देखेंगे आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहां पर हमको अगर 1 मिल जाता है तो समझ जाइए हमारा 10% काम बन जाता है। तो यहाँ पर 1 नहीं है तो सबसे पहले इस रो को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे। मीन्स यहाँ से जरा देखेंगे, लिखेंगे R3 इंटरचेंज बाई R1। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लगेगा वही ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी लगता है। यहाँ पर जरा देखेंगे चेंज करेंगे इस तरह से, तो जब यहाँ पर चेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 -2 2। पहले रो की जगह तीसरे रो को लिख दिया, आप तीसरे रो की जगह पहले रो को लिखेंगे तो पहले सेकेंड रो उतार ले हम लोग 2 2 3, उसके बाद 2 -3 3, देखेंगे R3 को R1 से इंटरचेंज कर दिया तो वही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर भी लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 1, क्योंकि R1 की जगह R3 को रखना है। R2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो ज्यों का त्यों उसको उतार लेना है, ऐसे ही लिख लेना है। अब देखेंगे R3 की जगह क्या आएगा, R1 आएगा, 1 0 0, और यहाँ पर A को बस ऐसे ही हम लोग लिखते चले जाते हैं। अब आगे देखेंगे, अब इसमें से अगर फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को अगर हम लोग माइनस कर लें तो यहाँ पर क्या आ जाए, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जरा देखेंगे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे R1 इक्वल टू R1 - R3, और इसमें से भी माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो इसको भी साथ ही कर लेते हैं, R2 इक्वल टू R2 - R3, इस तरह से। अब यहाँ पर जा देखिएगा क्या आता है, अब R1 में से R3 को माइनस करना है, जब माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यह माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1,
और इसमें से टू में से जब थ्री को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस वन। अब जरा देखेंगे R2 में से भी R3 को माइनस करना है, R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा जीरो, यहाँ से जब 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, और 3 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो। R3 को ज्यों का त्यों उतारिए, 2 माइनस 3 3। अब जो ट्रांसफार्मेशन यहाँ पर लगाया वही ट्रांसफार्मेशन इस पर भी लगा देना है, तो यहाँ पर जरा देखेंगे करना क्या है, R1 में से R3 को माइनस करना है, तो जब R3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस वन, यहाँ पर आएगा जीरो और यहाँ पर आएगा वन। अब R2 में से भी R3 को माइनस करना है तो यहाँ पर आएगा माइनस वन, यहाँ पर आएगा वन और यहाँ पर आएगा जीरो, और इस तरह से यह वन जीरो जीरो, इस तरह से यह हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर करना क्या होता है, इस मैट्रिक्स ए को हमको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होता है, उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं अपना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग करते हैं। और यह कोई नियम नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है, आपको अपने माइंड से सोचना कि कैसे क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लगाएं जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। जब यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ का जो मैट्रिक्स रहता है वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जरा देखें अब करेंगे क्या, यहाँ पर इसमें से अगर हम लोग इसको भी माइनस कर लें तो यहाँ पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो इसको भी जरा करके हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे R3 इक्वल टू R3 माइनस टू टाइम्स R1, R3 माइनस, देखें इसका टू टाइम्स करके जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर जरा देखेंगे ये वन जी वन माइनस वन जीरो फाइव जीरो ऐसे उतारेंगे, इसका टू टाइम्स करके यहाँ से माइनस कर लेना है, जब टू टाइम्स करके तो ये आ जाएगा जीरो, इसका टू टाइम्स करके जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस फाइव, और इसका जब टू टाइम्स करके यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस फाइव हो जाएगा, थ्री में टू ऐड हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर कितना आएगा, अब यहाँ पर जरा देखेंगे इसका टू टाइम्स करके इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, तो इसको तो ऐसे ही लिख लेना है पहले वन जीरो वन, और यहाँ पर भी ऐसे ही लिख लेना है माइनस वन वन, और यहाँ पर यह है जीरो। अब देखेंगे करना क्या है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है R3 में से टू टाइम्स R1 माइनस कर लेना, इसका टू से इंटू करके इसमें से क्या कर लेना, माइनस करना, जब टू से इंटू करके इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री, यहाँ पर इतना ही रहेगा और यहाँ पर आएगा माइनस टू, तो यहाँ पर जरा देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा थ्री हो जाएगा और यहाँ पर तो जीरो ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या चाहिए हमको, वन चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए, जीरो चाहिए, यहाँ पर भी क्या चाहिए, जीरो। तो सबसे पहले हम लोग फाइव से इसमें क्या कर लें, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं किस में फाइव से डिवाइड करेंगे, इस R2 में भी फाइव से डिवाइड कर लेते हैं और R3 में भी फाइव से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे R2 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई फाइव और R3 इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई फाइव, फाइव से सब में इन दोनों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर आएगा वन वन माइनस वन, यहाँ पर आएगा जीरो वन जीरो, और इसमें जब फाइव से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जीरो माइनस वन वन, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर जरा देखेंगे इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, फाइव से डिवाइड करेंगे इसी तरह से, तो देखेंगे माइनस वन जीरो वन, और इसमें जब फाइव से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस वन बाई फाइव, यहाँ पर वन बाई फाइव और ये वन था और यहाँ पर क्या आएगा, जीरो। अच्छा यहाँ पर ये ए रहेगा ही, ये यहाँ पर साथ में आ रहा था, ए पर ये यहाँ पर भी रहेगा। अब इसमें भी क्या कर लेंगे, फाइव से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा थ्री बाई फाइव, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर आएगा माइनस टू बाई फाइव। अब हम लोग इसको अगर इसमें ऐड कर दें, इसको अगर हम लोग क्या कर दें, इसमें ऐड कर दें, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो आ जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं, तो लिखेंगे क्या, आर वन
इक्वल टू आर वन प्लस आर थ्री। तो जो ट्रांसफार्मेशन इधर लगेगा वही ट्रांसफार्मेशन इधर, इसको इसमें जोड़ दीजिए। देखिए वन तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो वन जीरो और यहाँ पर जीरो माइनस वन वन। और इसी तरह से इधर भी कर लेना है, इसको इसमें क्या करना है ऐड करना है, आर वन और आर थ्री को ऐड करना है। जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा टू बाई फाइव। देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू बाई फाइव, क्योंकि माइनस वन प्लस थ्री बाई फाइव है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू बाई फाइव। और इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो ये तो जीरो ही है, इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो वन माइनस टू बाई फाइव मीन्स थ्री बाई फाइव आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री बाई फाइव, ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर जरा देखें इसको जो करते हैं उतार लेना है, वन बाई फाइव वन बाई फाइव और यहाँ पर ये जीरो और यहाँ पर ये थ्री बाई फाइव, इसी तरह से लिखना है जीरो लिखना है और यहाँ पर माइनस टू बाई फाइव, इसी तरह से इसको भी उतार लेना है। अब इसमें क्या करना है आगे जरा देखें, अब इसको अगर हम लोग इसमें ऐड कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो अब अगला इन्फॉर्मेशन जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जरा देखेंगे आर टू इक्वल टू सॉरी आर थ्री इक्वल टू, आर थ्री में आर टू को ऐड कर दें, आर थ्री इक्वल टू आर थ्री प्लस आर टू, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से जरा देखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वन जीरो 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 वन जीरो, और जब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो देखेंगे यहाँ से आ जाएगा जीरो जीरो वन, इस तरह से यहाँ से आ गया। और इक्वल टू यहाँ पर जरा देखेंगे आर थ्री में आर टू को ऐड करना है, आर वन को जो करते हुए पहले लिख लेना है, तो यहाँ पर आएगा टू बाई फाइव जीरो थ्री बाई फाइव और यहाँ पर ये ऐसे ही लिख लेना है माइनस वन बाई फाइव वन बाई फाइव और यहाँ पर यह जीरो, ए को ऐसे ही लिख लेना है। अब देखेंगे आर थ्री और R2 को प्लस करके R3 बनाना है, इसको प्लस कर लेना है, जब इसको इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 बाई फाइव, कितना आएगा 2 बाई फाइव, इसको इसमें प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 1 बाई फाइव और जब इसको इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर माइनस 2 बाई फाइव, यहाँ पर कितना आएगा माइनस 2 बाई फाइव ही आएगा। इस तरह से यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब बदल गया तो यही क्या हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा। तो देयर फोर ए इनवर्स इक्वल टू देखेंगे यहाँ पर कितना आ गया माइनस टू बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव टू बाई फाइव जीरो वन बाई फाइव वन बाई फाइव यहाँ पर थ्री बाई फाइव और यहाँ पर जीरो और माइनस टू बाई फाइव, इस तरह से यह इनवर्स ज्ञात हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जरा देखें एलिमेंट्री ट्रांसफार्मेशन की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू आई ए, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू वन थ्री माइनस टू माइनस थ्री जीरो माइनस फाइव टू फाइव जीरो और यहाँ पर इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन और यहाँ पर यह ए। अब स्टूडेंट करना क्या है, देखेंगे यहाँ पर वन है तो समझिए कि आपका 10% काम बना हुआ है, इसका थ्री टाइम्स करके इसमें प्लस कर लीजिएगा, इसका टू टाइम्स करके इसमें माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पर ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे आर टू इक्वल टू आर टू प्लस थ्री टाइम्स आर वन एंड आर थ्री इक्वल टू आर थ्री माइनस टू टाइम्स आर वन। तो जो ट्रांसफार्मेशन यहाँ पर लगना है वही ट्रांसफार्मेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी लगाते हैं। इस पर एलिमेंट्री ट्रांसफार्मेशन का प्रयोग करके हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं और यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप धीरे धीरे ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे आगे क्या करेंगे, इसका तीन गुना करके यहाँ से माइनस यहाँ पर ऐड कर लेना है। देखें वन थ्री माइनस टू ऐसे ही लिखना है, इसका थ्री टाइम्स करके जब ऐड करेंगे तो जीरो, इसका थ्री टाइम्स करके ऐड करेंगे तो नाइन, इसका थ्री टाइम्स जब करेंगे तो तीन दूना छः, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इलेवन। अब आगे जरा देखें, अब
R3 के बारे में क्या कर रहा है, R3 में से इसका दुगुना करके माइनस करना है। तो यहाँ पर ज़्यादा देखेंगे इसका जब 2 times करके माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका दुगुना करके 3 × 6, तो जब इसमें से 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1, और इसका 2 times इसका करके माइनस करना है, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब स्टूडेंट यही ट्रांसफार्मेशन यहाँ पर भी यूज़ कर लेना है, जरा देखेंगे R1 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो इसको जो कहते हैं ऐसे उतार लेना 100 ऐसे, और यह ए साथ में बस लिखते जाना है, ए की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखनी होती है। अब यहाँ पर जरा देखेंगे फिर ऐसा ही यही ट्रांसफार्मेशन यहाँ पर भी यूज़ करना है, R2 को कैसे लिखना है 3 times इसमें इंटू करके इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। इसको कैसे लिखना है R3 को इसमें 3 times इसमें 2 times से इंटू करके इसमें माइनस कर लेना है, R3 = R3 − 2 times R1, तो R3 में से इसमें 2 का गुणा करके माइनस कर लेना है, तो यहाँ पर कितना आएगा -2 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 ऐसे ही लिख लेना है। अब अगला स्टेप क्या आएगा स्टूडेंट, अब अगला स्टेप क्या आएगा यहाँ पर जरा देखेंगे, इसमें 9 से इंटू करके यहाँ पर जरा देखें 8 से इंटू करके अगर हम लोग इसमें क्या कर लें ऐड कर लें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जरा देखेंगे 8 से इंटू करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, और इसमें यहाँ पर जरा देखें इसमें 3 से इंटू करके इसमें भी हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। यहाँ पर हमको 1 चाहिए और यहाँ पर क्या चाहिए 0 चाहिए, तो यहाँ पर जरा देखेंगे लिखेंगे क्या R1 = R1 + 3 times R3, और यहाँ पर जरा देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर R2 = R2 − R2 + 8 times R3। तो अब जो ट्रांसफार्मेशन इस पर लगाना है वही ट्रांसफार्मेशन इस पर भी लगा देना है, तो यहाँ पर जरा देखेंगे क्या ट्रांसफार्मेशन लगाएंगे हम लोग, देखेंगे R1 में इसमें 3 से इंटू करके ऐड करना है, तो जब 3 से इंटू करके ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से जब 3 से इंटू करके ऐड करेंगे तो 3 × 12 = 10 आएगा, और यहाँ पर देखेंगे ऐसे आएगा 1 0 और यहाँ पर हो जाएगा 10 नो। अब इसमें ज़रा देखेंगे R2 को कैसे लिखना है 8 से इंटू करके इसमें ऐड करना है, जब 8 से इंटू कर देखेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 से इंटू करके ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, इसमें 8 से इंटू करेंगे तो 8 × 32, 32 में से जब 11 को घटा लेंगे तो आएगा 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21। तो अब यहाँ पर ज़रा देखें R3 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो R3 को जो को त्यों उतार लेना है 0 − 1 = 4, इस तरह से आप उतार लेंगे इसको, और उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसफार्मेशन यहाँ लगा वही ट्रांसफार्मेशन आपको यहाँ पर भी लगाना है, R1 में क्या करना है R3 को प्लस करना है 3 से इंटू करके, जब 3 से इसको इंटू करेंगे तो 3 × 6, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा -5, और यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पर 3 से इंटू करके ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3, अब उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा देखेंगे R2, यह है R2, इसमें 8 से इंटू करना है, R3 में 8 से इंटू करके इसके साथ क्या करना है ऐड करना है, तो यहाँ पर 8 × 16, जब ऐड करेंगे तो -3 घट जाएगा और यहाँ पर आएगा -13, और यहाँ पर ए 0 तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 8 का इंटू करके जब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और ये R3 जो कहते हैं लिख लेना है -2 0 1 इस तरह से, और यहाँ पर यह ए को बस ऐसे साइड में लिखते चले जाना है। अब उसके बाद जरा देखें यहाँ पर क्या चाहिए हमको 0 चाहिए, तो इसको अगर इसमें ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाता है 0 मिल जाता है, तो ऐसा ही कर लेते हैं, देखेंगे करेंगे क्या R3 = R3 + R2 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पर जरा देखें 1 0 10 0 1 21, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इस तरह से यहाँ पर जरा देखें कितना आ जा रहा है,
अब यही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर भी लगाना है, तो आर थ्री को चेंज करके लिखना है, आर थ्री में आर टू को प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर यह माइनस फाइव जीरो थ्री, इसको तो ऐसे ही लिख लेना है, इसको भी ऐसे ही लिख लेना है, माइनस थर्टीन वन एट। अब R3 को जब लिखने चलेंगे तो इस रूल की सहायता से इसको चेंज करेंगे, तो इसमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस फिफ्टीन, और जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वन, और जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नाइन। अब करेंगे क्या, इसमें देखिए यहाँ पर क्या चाहिए हमको, वन चाहिए। तो अब हम लोग 25 से क्या कर लें, R3 में डिवाइड कर लें। तो यहाँ पर लिखेंगे R3 इक्वल टू R3 बाई 25। 25 से क्या कर लेंगे, R3 में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ पर जा देखें, 1 0 10 और 0 1 21, और यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 25 से जब डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 1। और इक्वल टू यहाँ पर जा देखिएगा, यहाँ पर भी 25 से R3 में डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस 5, ये 0 3। देखिए यहाँ पर ये छूट गया, ए को बस जो करते हो ऐसे ही लिखते रहना है, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 13, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 8। अब इसमें क्या करना है, 25 से डिवाइड करना है। तो जब यहाँ पर 25 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जा देखें माइनस 15 अपॉन 25। तो 25 का मतलब जब यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा केवल 25 से जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर से कट जाएगा, पहले डिवाइड ही कर लेते हैं। देखेंगे 15 अपॉन 25, 1 अपॉन 25, और यहाँ पर जरा देखेंगे 9 अपॉन 25। इस तरह से ऐसे डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमको, 0 चाहिए, यहाँ पर भी क्या चाहिए, 0। तो इसका 21 टाइम्स इसमें से माइनस कर लेंगे, इसका 10 टाइम्स करके इसमें भी माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, लिखेंगे क्या, R1 इक्वल टू R1 माइनस 10 टाइम्स R3, और R2 कैसे लिखेंगे, R2 इक्वल टू R2 माइनस 21 टाइम्स R3, ऐसे करके हमको माइनस कर लेना है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ, वही ट्रांसफॉर्मेशन इस पर भी लगाना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब ऐसा कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से यह हो जाएगा 1 0 0, यहाँ से हो जाएगा 0 1 0 0 0 1। इस तरह से यह पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स बनेगा, अब यहाँ पर जा देखेंगे R1 यहाँ पर है, R1 में से 10 टाइम्स R3 को माइनस करना है, इसमें 10 से इंटू करके इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे कितना आएगा, माइनस 5 है, इसमें 10 से इंटू करना है, जब 10 से इंटू करेंगे तो माइनस 5 है, और उसके बाद 10 से इंटू करके माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आएगा 150 अपॉन 25। और इसका जब इसमें इंटू करेंगे तो आ जाएगा 25 5 125, माइनस 125, और जब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 बटा 25। कितना आएगा, 25 बटा 25, अब मीन्स यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर लिखा 1। अब यहाँ पर ज़रा देखेंगे, यहाँ पर अब आगे क्या आएगा, अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। जब 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 0 देखेंगे ऐसे, 0 माइनस 10 बाई 25। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये तो 0 ही रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, और इसको लिख सकते हैं 5 से काट दिया, तो यहाँ पर आएगा -2/5। अब यहाँ पर जरा देखेंगे 3 है, और इसमें 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। देखेंगे इस तरह से आएगा 3 माइनस, और 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90/25। अब 75 में से 90 को जब हम लोग घटा देंगे तो आएगा -15। तो -15/25, -15/25 का मतलब यह हुआ -3/5। तो यहाँ से जो मिलेगा तो ये आएगा -3/5। इस तरह से जरा देखें। अब उसके बाद R2 को भी चेंज करना है, R2 21 से इंटू करके इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, अब R2 को कैसे लिखना है,
देखिए माइनस 13 पहले से है और इसमें करना क्या है, देखेंगे आर टू इक्वल टू आर टू माइनस 21 टाइम 21 टाइम्स आर थ्री, इसमें 21 से गुणा करके इसको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, देखेंगे ऐसे 15 अगुणे 21 बटा 21 से गुणा करना है 25 से इसको इंटू करेंगे 13 5 65, देखेंगे 25 तैयार 75 की 5, 25 से कम 25 7 32। और यहाँ पर जरा देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 और 15 दूना 30, 30 और 1 31, इसको इसमें से माइनस जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, -10/25, -10/25 को जब काट देंगे तो -2/5, तो यहाँ से आएगा -2/5 आ जाएगा। अब उसके बाद जरा देखें यहाँ पर 1 में से इसको 21 टाइम से माइनस करना है, तो देखेंगे ऐसे 1 -21/25, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25, 25 में से 21 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 4/25, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/25। और उसके बाद जरा देखें यहाँ पर 8 है, 8 और 8 माइनस और यहाँ पर 21 से इसमें इंटू कर लेना है, तो 21 से जब इंटू कर लेना है तो यहाँ पर कितना आएगा, 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18 अपान 25, तो ये 25 बट्टा 200, 200 में से 189 को माइनस करेंगे अपान 25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 90, यहाँ पर आएगा 11, देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा 11 आ जाएगा 11/25, तो यहाँ पर लिखेंगे 11/25 और बाकी R3 को जीवों का त्यों लिख लेना है। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो काट कर भी लिख सकते हैं, अब यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसको 5 से जब मल्टी काट देंगे तो यहाँ पर आएगा -3/5 और यहाँ पर 1/5 और यहाँ पर यह 9/20, सॉरी यहाँ पर 1/25 है तो 1/25 ही रहेगा और यहाँ पर आएगा 9/25 और यहाँ पर ए ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग यह क्या पाते हैं, जब यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल गया तो यह क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, ए इनवर्स यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 1 -2/5 -3/5 और यहाँ से आ गया -2/5 4/25 1/25 -3/5 11/25 और 9/25। इस तरह से यह क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 को भी आप स्वतः ही सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि आप भी ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम क्या होता है, इसके डेफिनेशन में भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर जरा देखेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, यदि ए तथा बी दो आव्यूह इस प्रकार हों कि, देखेंगे डेफिनेशन में ही आपको बताया गया था ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह मीन्स इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। तो यही डेफिनेशन ही होता है कि अगर ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो यहाँ पर जरा देखेंगे क्या है, बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं या इसका उल्टा भी बोलेंगे तो कहेंगे कि ए को बी का व्युत्क्रम कहते हैं। तो इसके लिए जो अनिवार्य कंडीशन है वह है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट होता है क्योंकि इसी ऑप्शन में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। क्योंकि जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तभी हम कह सकते हैं कि ए बी का व्युत्क्रम है या फिर बी ए का व्युत्क्रम है।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, बी को बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो अगर ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा।